किसी दिन मन करता है ना झाड़ू से कुटकुटिया दूं। दिखाना कुटकुटिया के दिखाना भाई, ऑनलाइन चैलेंज मिल गया है। अगर मेरे को इतना भी हुआ ना तो। कैनेट का गुल्लक तो पैक हो चुका है, अब कैनेट लग गई है अपनी मम्मा के साथ खेलने में। तेरे यहाँ पे क्या हो रहा है आज के लिए? क्या हुआ? कैमरे में दिख रहा है क्या है, लेकिन मतलब लाल लाल सा हो रहा है। लाल लाल सा हो रहा है, लाल 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 जिम। ए ए हाय करो। ओए हेलो एवरीवन। हेलो काइनू, काइनू हाय। ओए काइनू, इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा ना, कैनेट के लिए जुगाड़ वाला गुल्लक बनाया था, तो कैसा लगा बताना? मतलब मैंने बाहर से ना लाके ठीक किया, घर पे बना के ठीक किया, क्या क्या किया क्या मैंने किया क्या मैंने इसको आपने ठीक किया ही नहीं, हम कैसे बताएं? ठीक किया मैंने, अंदर ही बना दिया, ठीक किया इसको लगता है। अरे दोनों ऑप्शन वो तो बाहर से लाके ठीक मैंने बाहर से ना लाके ठीक किया या फिर घर में ही बना के ठीक किया। अबे साले, अरे यार क्या बोल रहे, किस चालाक इंसान है, दोनों ऑप्शन मैंने ठीक किया। अरे कोई भी चूज करे ठीक किया, आपने बोलना चाहिए था मैंने बाहर से ना ला के ठीक किया या घर में बना के गलत किया, या फिर ऐसे बोलना था मैंने बाहर से ला के। ठीक है समझ गया, ठीक है समझ गया। तो मैं इतना ज्यादा नहीं सोच रहा था ना, मैं थोड़ा लॉजिकल नहीं सोचता, लॉजिकल नहीं सोचता मैं, थोड़ा लॉजिक से आगे, लॉजिक से पीछे हूँ, लॉजिक से आगे हूँ, पीछे नहीं आगे हूँ, लॉजिक से आगे, क्या बोलते हैं उसको, मैजिक है, मैजिक है, लॉजिक के आगे मैजिक। तो आज हमारे जो क्या बोलते हैं उनको, दीदी के जो घर वाले हैं उनको क्या बोलूंगा मैं, जीजू बोलूंगे, जीजू बोलता हूँ वैसे मैं, वैसे कुछ और भी बोलते हैं, साड़ू भाई, साड़ू भाई। तो आज जीजू आने वाले हैं गंगोली हाट, और वो लेके आने वाले हैं आम, आम लेके आने वाले हैं, और मुझे लग रहा है पक्का मिठाई उठाई भी लाएंगे। अच्छा, हम नहीं भी लाएंगे तो ब्लॉग। वैसे मैंने मना किया था कि मिठाई हम लोग कोई खाते नहीं है, तो बिल्कुल मत लेके आना, स्नेहा को बोला था मैंने, बोल देना करके। देखते हैं थोड़ी देर में जीजू आ रहे हैं, और मिलाएंगे आपको जीजू से, और क्या बोलते हैं आम दिखाएंगे आपको। आज काइनू के ताऊजी आने वाले हैं, तो काइनू ताऊजी से कहना चाहती है, ताऊजी मेरे गुल्लक में कुछ ना कुछ डाल के जरूर जाना प्लीज। शुभ शुरुआत ताऊजी से। अरे ऐसा बोलेगा, ऐसा बोलेगा, ऐसा मुंह बना दिया इसने, बू बू करके देखो तो। आजकल एक गाड़ी चलाती है ना, मुंह से ब्रर करके थूक निकालती है, जो सामने पे होता है उस पे पूरा थूक। नन्नू क्या बोल रही है परसों ना, बाहर देखो क्या मस्त कड़क धूप आ रखी है, बढ़िया धूप। क्या बोल, नन्नू क्या बोल रही है परसों ना, ऐसे बू क्या होगा उसमें, बुआ बुआ मुझे तू बोल रहा है। आपने दीदी को तू बोला? नो बैड मैनर्स, वो करती है, देखो थूक देखो ना, अब गिरेगा ये सामने वाले पे। तो कल से अब हमने व्लॉग का ना थोड़ा सा मतलब स्टाइल चेंज कर दिया है, अब मतलब कब गुड मॉर्निंग होगी, कब रात होगी, कब दिन होगा, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहीं पे भी एंड हो जाएगा, कहीं पे भी शुरू हो जाएगा, तो ऐसा है सीन। तो कैसा लगेगा ऐसा व्लॉग बताना, क्योंकि अब इधर उधर बिजी रह जाते हैं, तो पूरा दिन में क्या रहता है क्या नहीं रहता है वो सब चीज़ें समझ नहीं आती हैं। फिलहाल आपको ये भी समझ नहीं आया होगा जो मैंने बोला। कैसा लगा मेरा मजाक? तेरे को भी नहीं आया ना? हाँ, तो व्लॉग ऐसे ही रहेंगे। मुझे खुद भी नहीं आया, बोलो। मुझे खुद भी नहीं आया। ये क्या है? अरे सामान घर पे पहुंचा नहीं है, और ये देखो इसको तो मेरे लिए शुरू हो गई है, मेरे लिए ही लाए हैं, उनको बताया उनको मैं ही खाती हूँ, ये पॉपकॉर्न कुरकुरे चिप्स तो मेरे लिए ही लाए हैं, इसलिए खा रही हूँ फटाफट। तो यार जीजू तो रोड से ही चले गए हैं, मतलब वो घर तक आए ही नहीं, सामान वामान छोड़ के, पता नहीं कुछ गोदाम उदाम का काम है बोल रहे थे, तो वो तो निकल गए हैं। लेकिन ये देखो शुरू हो गई है, जैसे ही सामान पहुंचा है भाई साहब शुरू हो गई, और दिखाता हूँ आपको क्या क्या सामान आया, अनबॉक्सिंग करते हैं
तो चलिए शुरू करते हैं। 1 kg मिठाई भाई साहब, मिठाई तो हम लोग खाते ही नहीं है, मतलब बहुत कम खाते हैं, 1-2 पीस खा लिए मिठाइयाँ। चलो कुरकुरे चिप्स वगैरह तो ये पूछो मत, इतना खाती है। और इसमें है भाई साहब 1 कट्टे में आम है, आम ये कच्चे आम है, तो ये हैं बहुत सारे कच्चे आम। मतलब इसमें कितना केजी होगा, 20 केजी होगा, 20 केजी तक होगा लगभग मेरे हिसाब से। नीचे से जब मैं ला रहा था तो मुझे लग रहा था कि भारी है, तो 20 केजी आम लगभग हैं इसमें और सारे कच्चे हैं, तो ये हम पकाने के लिए रख देंगे। और आज तो नहीं पकेंगे, 1-2 दिन बाद पक जाएंगे। 1-2 दिन बाद फिर हम खाना बिना कुछ नहीं खाएंगे, आम ही आम, बस आमा आम खन गया वो बोलता है ना, वो क्या बोलता है वो, पवन पहाड़ी नहीं बोलता, आम खा, आम आम तो खन गया कि छेरू लगे, छेरू लगने तक आम खाना है उसकी सास को, पवन पहाड़ी की सास को लगता है या हमारे ब्लॉगर साहब को लगेगा छेरू। हेलो भैया, थकान हो गई लेकिन ये लाने में ना, नीचे से खाने में नहीं होगी थकान, मैं खाता ही नहीं हूँ आम ज्यादा। जब ये हम मतलब दिल्ली में रहते थे तो ये बेचारे वहाँ काफी टाइम तक, मतलब जब इनका वर्किंग आवर जो था वो ज्यादा करते थे, ये एक्स्ट्रा करके आते थे क्योंकि ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो मैं इनके लिए उस टाइम पे आम लेके आती थी क्योंकि ये बोलते थे ना मुझे आम खाने आम खाने, और ये रोटी भी आम के साथ खाते थे। अभी बोलने पर आम नहीं रोटी तो नहीं खाता था रे यार, रोटी खाने के बाद खाता था, 2-3 4 आम खा जाता था। अब बोले मैं नहीं खाता, मैं ही जो नहीं खाती हूँ आम, मैं ही जो नमकीन चीजें स्पाइसी ज्यादा खाती हूँ यही आम ज्यादा खाते हैं, हाँ मिठाई नहीं खाते ये मैं मानती हूँ। तो मिठाई जीजा जी क्या कर रहे हैं हम बताइए, आप अगर घर पे आते तो मैं आपको जरूर खिलाती, लेकिन अब मिठाई रखनी पड़ेगी ना जी। पीयूष राखी होते, हाँ पीयूष बहुत ज्यादा मीठा खाता है, तो पीयूष को भेजते क्या? और इसमें मुझे लग रहा है मिठाई भी वही वाली लाए होंगे वो जी, जो पीयूष को पसंद है, मतलब पीयूष लोगों को ना रसीली मिठाई पसंद है, रस भरी जो जिसमें वो होती है क्या बोलते हैं उसको, शक्कर पानी शक्कर पारे, अबे साले पारे पारे वो थे दिल्ली में मिलते थे जो, अरे गुड़ पारे सब जगह मिलते हैं, दिल्ली दिल्ली क्या लगा रखी है, मुझे दिल्ली में दिल्ली ला देना फिर यार, वो जो उसको क्या बोलते थे वो पेड़ा, पेड़ा मिलता है इधर तो क्यों नहीं मिलता, रेड वाला पेड़ा सब मिलता है, मिले ला देना, मुझे पेड़ा बहुत पसंद है, जब दिल्ली जी तभी खाया तब से नहीं खाया मैंने पेड़ा, और ये मुझे अब बता है तो एक से ज्यादा तो खाएगी नहीं, और इन्होंने वो भी खाया था क्या बोलते हैं उसको, हो गया यार बहुत हो गया खाया और जीजू का लाया हुआ सारा सामान इसने लतिया लतिया के यहाँ पहुँचा दिया, इसको पता है मैंने तो खाना है नहीं, ऐस भी रही है ऐस क्यों रहे फिर सब लात मार रही है, ये देखो जीजू का लाया हुआ सामान है, अभी कहाँ लात मार दिया, यहाँ क्या धक्का दिया, ये कहाँ लतिया रही है, ये आम किसको खाने हैं भाई, आम ये लंगड़ा आम है और क्या कहते हैं, मुझे एक चीज समझ नहीं आता, ये लंगड़ा आम जो है इसका एक पैर किसने तोड़ा कि किसने इसका एक पैर तोड़ा कि ये लंगड़ा हो गया, इसके बारे में जिसको पता हो प्लीज बताना, लंगड़ा आम लंगड़ा क्यों है, उसका एक पैर किसने तोड़ा। ये देखो फिर बोले कि मैं मिठाई नहीं खाती ये खाने में है, मैं खाती हूँ एक पीस खाती हूँ कौन सी वाली है मिलके दे दो थोड़ा, ए मांग रहे हैं भी यहाँ ऐसे तो वो रोड पे बच्चे भी नहीं मांगते, रोड पे कौन बच्चे, मतलब क्या कह रहा था तू, वहाँ के वो दिल्ली फिर दिल्ली पहुंच गई यार मैं दिल्ली नहीं भूल पाती हूँ, दिल्ली में ऐसे थोड़ा बहुत ज्यादा मिलते थे, मतलब मांगने वाले दुकान में जाओ पीछे पड़ जाते थे, भैया 5 किलो आटा दिला दो 5 किलो, कितनी बार दिलाया होगा मैंने, लेकिन मतलब परेशान हो जाता था यार, मेट्रो स्टेशन में एक दिन मैंने एक को दे दिया 10 आ गए, वो
होता है ऐसा। वैसे किसी को ये भी लग सकता है कि 20 किलो आम से हम क्या करेंगे, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इसमें से जो मैक्सिमम आम है ये जाएंगे सुरखाल, हमारे लिए रहेंगे लगभग 4-5 केजी, बाकी सारे सुरखाल ही जाएंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि हम इतना खाते नहीं हैं और ये सुरखाल के लिए हैं। जीजू यहाँ छोड़ के गए हैं, मतलब हमारे नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नई सुबह की शुरुआत आप लोगों के साथ। बाहर चल रही है बरसात और हाथ में है मेरे छात। राइमिंग हो गई ना, तो एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है। मैंने कहा यार सबसे पहले तो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं, चाय पानी हो गया है, स्नेहा और काइनो तो मस्त सोए हैं अभी तक। देखो ठीक ठाक वाली बारिश हो रही है आज तो, वैसे ऐसे तो नहीं दिख रहा है पर जूम करना पड़ेगा देखना नीचे। ये देखो नालों में बह रहा है ना पानी। और कल रात को ही मैसेज आ गया था मौसम विभाग की तरफ से कि हैवी बारिश होने वाली है, और मौसम विभाग के वादे के मुताबिक ही होता है ना, पता नहीं, तो बारिश हो ही गई है। रात से ही गजब की बारिश हो रही है। सुबह सुबह भी अभी मैं देख रहा था बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे थे, बड़ी दिक्कत हो रही है उनको। एक तो इधर पानी वानी ज़्यादा बह रहा है। चलिए बारिश वाला ही दिन है आज, आज तो पूरे दिन बारिश बताई है, देखते हैं कैसा रहता है दिन। तो यार 9:30 का टाइम हो गया है और मौसम तो खुलने वाला है नहीं, आज पूरा दिन ही बारिश लग रही है। और स्नेहा को देखो, स्नेहा लग गई है अपना कल वाला व्लॉग देखने में, यही वॉइस का। स्नेहा बोल रही है मैं ही तो देख रही हूँ, और देखी कौन रहा व्लॉग। मैं एक ऐसे सब्सक्राइबर हूँ कि जो डेली व्लॉग देखता है और पूरा देखता है, अदरवाइज जो इनके सब्सक्राइबर है ना बोलते हैं भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं देखती है व्लॉग। आज इसने चला रखा है तो ये पूरा देखेगी, ये मतलब रिटेंशन खराब ना हो करके पूरा देखेगी। मैं जहाँ पे मैं आती हूँ ना वहाँ वहाँ पे बड़े ध्यान से देखती हूँ, मुझे खुद को देखना बहुत पसंद है, मैं खुद की फेवरेट हूँ। अच्छा कहाँ से चुराया है? करीना कपूर का चुराया जा रही मैं। अपना नाश्ता वास्ता बनाना छोड़ के देखो, अपना नाश्ता वास्ता क्या, नाश्ता वास्ता बनाना चाहिए इस टाइम पे, व्लॉग पे लगी है, टाइम पास हो रहा है। ऐसा दिन कब आएगा किसी दिन मन करता है ना झाड़ू से कुट कुटिया दूं किसको, कुट कुटिया के दिखाना भाई, ऑनलाइन चैलेंज मिल गया है। अगर मेरे को एक टच भी हुआ ना, आ इतना कौन होगी ना, लगी तेरे को टच किया ना, टच नहीं हुआ, नहीं हुआ टच, मजाक कर रहा हूँ, जस्ट जोकिंग। मैं मम्मी और पापा को अब भी बुलाऊंगी इधर, पुलिस लेके आना है इधर, पुलिस लेके आना है, इन्होंने मुझे झाड़ू से मारा है। डोमेस्टिक वायलेंस मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, और मैं एक क्या बोलते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट महिला हूं। मैं मोबाइल में देख रहा हूं, लग भी सकती है, पीछे पीछे हट जा, ऐसे ही करते हैं पता है मेरे को डराने के लिए, ऐसे ही करते हैं। और जब भी मैं ऐसे मारने की कोशिश करती हूँ, एक ये एल्बो होता है ना जो जहाँ तक ये एल्बो लगा के मुझे मारते हैं, मेरे पे बहुत घाव भी हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। कुछ नहीं है, नाना धोना करते हैं यार। देखिए शरीफ चेहरे को, उड़ गई वो, पिन उड़ गया उसको देख। तो यार सबसे पहले तो यार नॉन ध्वन कर ले लो, जाना तो उसको देख, अपने डिफेंस के चक्कर में उसका नाम ले रहे हैं, काइनू का नाम ले रहे हैं, वो सोई है आवाज जैसी आई थी भी। तो फिलहाल कर लूँ नॉन द्वेन, थोड़ी देर में मिलूँ आप। नॉन द्वेन भी कर लोगे फिर भी ऐसी रह जाती है कल। तो क्या हो गया शकल से, थोड़ा ना मतलब है वो बॉडी को फ्रेश करने के लिए अभी ही ना दे दोस्त।